Awzabillah rajim. Bismillah Rahim, Assalamu Alaikum to all of you. I hope that you all are doing very, very well. Well, this is Abdurrahman. I am working as career counsellor and trainer with Student Advisory and Counseling Department of Punjab Group of Colleges and STEP. This session is going to be of great significance for those students who have set their goals high, who have who are aiming high in their lives. Like they have Targeted their goal that they are going to pursue their academic careers in MBBS, BDS, DPT, and all allied health sciences four and five years degree programs. If we look over on the life of an MDCAT or a pre medical student, the most impact creating, the most difference creating, the most transitioning phase in the life of a pre medical student. Is none other than, but exam. और इसी तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऑफर करते हैं बट देर इज नो इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान विच इज ऑफरिंग एन इवेलुएटिंग सेमडी कैट लाइक आप तैयारी कर रहे हैं बट देर इज नो सिस्टम कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और आपको और कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है सो कीपिंग इन दैट व्यू कि व्यूमी कैट की वजह से देर आर मल्टीपल आर वेटिंग फॉर यू जिस तरह के मैंने पहले जिक्र किया कि आफ्टर गिविंग एम डी कैट एग्जाम आप एम बी बी एस बी डी एस डी पी टी एंड ऑल अलाइड हेल्थ साइंसिस प्रोग्राम्स के अंदर अपने एकेडमिक करियर को परस्यू कर सकते हैं सो एम डी कैट की पोजिशनिंग

फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम डी कैट यानी आप एम डी कैट की तैयारी कर चुके हैं बट नाउ यू वॉन्ट टू असैस दैट वेयर यू स्टैंड सो उसके लिए स्टेप हैज कम एन एक्सक्लूसिव डायग्नोस्टिक एंड असैसमेंट सेशन फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन दैट इज नन अदर देन स्टेप टॉप नॉट से डिटेल्स रिगार्डिंग स्टेप टॉप नॉट सेट विल वर्क एंड वट आर गोइंग टू बी आर कोर्स ऑफ एक्शन so looking on step top notch session step top notch session is exclusive session for your entry test preparation

मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे सो so, वो असेसमेंट आपके ऑफिशियल एमडी कैट एग्जाम से पहले आप स्टेप में स्टेप टॉप नॉर्थ सेशन के थ्रू कर सकते हैं अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अब बात करते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं सो देयर आर फोर मेजर कैटेगरी वो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यानी कि दे कम अप विद एन आईडिया दैट आई वांट टू डू एम डी कैट आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट माई एम डी कैट एग्जाम और उन बच्चों ने घर पर तैयारी की घर पर उन्होंने बुक्स से तैयारी की क्लास नोट्स को यूटिलाइज़ किया uh, वो डिफरेंट यूट्यूब्स uh, के ऊपर या डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गए और उन्होंने वहाँ जाकर एम डी कैट की तैयारी की बट नाउ इन दिस सेशन इन स्टेप टॉप नॉट सेशन स्टूडेंट्स कैन एवेलुएट के घर पर रहते हुए खुद से पढ़ते हुए वो कितनी अच्छी तैयारी कर पाए हैं और कितनी मेहनत मजीद दरकार है उस एवेल्युएशन और असेसमेंट के लिए यू स्टूडेंट कैन ज्वाइन स्टेप टॉप नॉट से एंड द सेकेंड कैटेगरी विच कैन ज्वाइन एस टी एन सेशन इस प्रिप दो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से तैयारी इंस्टीट्यूशन फिजिकल भी हो सकता है तैयारी कर रहे हैं कैट की तैयारी करें बट वंस अगेन आपने जो भी सेशन ज्वाइन किया हुआ तो है ऑब्वियसली इट इज सेशन ये आपकी तैयारी तो करवा रहा है बट इट इज नॉट टेलिंग यू कि आपकी स्टैंडिंग क्या है सो so, अगर आप किसी और इदारे से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने एम डी कैट की तैयारी कर रहे हैं आप स्टेप टॉप नॉ सेशन में आने के बाद अपनी उस तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं द थर्ड कैटेगरी आर द अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स ये दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं लाइक like, ये सेल्फ स्टडिंग भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट स्ट्रीम से भी हो सकते हैं बट ये वो स्टूडेंट्स हैं हु आर नॉट कॉन्फिडेंट हैव डाउट कि आया मेरी तैयारी अच्छी हुई है या मुझे और मेहनत दरकार है या yeah, वो अपने कोर्सेज अपनी प्रिपरेशन मुकम्मल कर चुके हैं वो जिस सेशन में तैयारी कर रहे थे वो सेशन खत्म हो चुका है बट स्टिल दे आर अंडर कॉन्फिडेंट हैव डाउट ऑन देयर प्रिपरेशन सो वो स्टूडेंट्स भी स्टेप टॉप नॉट सेशन ज्वाइन करके अपनी इवेल्युएशन करा सकते हैं द फोर्थ कैटेगरी और ये वो कैटेगरी है Those students who are aiming high in their lives. Like they have goals, they have dreams, they have aims in their life.

एंड गेट एडमिटेड इन टू अ टॉप नॉच मेडिकल यूनिवर्सिटी वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने ऑफिशियल एम डी कैट को अटैम्प्ट करने से पहले एक ऐसा सेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक ऐसा सिस्टम ज्वाइन करें जिससे वो प्रॉपरली अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकें असेस कर सकें और डायग्नोज कर सकें डेट वट आर द स्ट्रॉग एंड वॉट आर द वीक एरियाज इन विच यू हैव टू प्ले यानी स्ट्रेंथ्स को रिटेन करना है और वीकनेसेस को इंप्रूव करना है सो हाई एमिंग स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर आके अपनी तैयारी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं सो so अब हम आगे चलेंगे कि ये तो कैटेगरीज हो गई इंट्रोडक्शन हो गया कैटेगरीज हो गई अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी आर कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट इज गोइंग टू बी आर कोर्स ऑफ प्लान कि हम किस रास्ते से होते हुए इस पूरे सिस्टम से गो थ्रू होंगे सो लेट्स टॉक अबाउट दैट तो जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब हमें डिफाइन करना है अपना कोर्स ऑफ एक्शन मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया so, कियाटरी सेशन नहीं है तो इसके अंदर आपको स्कीम ऑफ स्टडी ऑफर नहीं हो रही इसको इसके अंदर आपको क्योंकि ये एक असेसमेंट सेशन है तो आपको स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफर हो रही है इस स्कीम ऑफ असेसमेंट के अंदर थ्री मेन फेजेस हैं फेज नंबर वन इज द सिमुलेशन फेज फेज नंबर टू इज द चैलेंजर्स फेज एंड फेज नंबर थ्री इज द मॉक्स फेज सिमुलेशन फेज के अंदर जाने से पहले देर इज अ प्री सिमुलेशन फेज प्री सिमुलेशन फेज के अंदर देर आर एटीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां पर एक चीज जो डिफाइन करना बहुत जरूरी है वो ये है कि In online lectures in recorded lectures आप अपने उन कॉन्प्टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं

आपको एटीन रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि आपका जो टोटल एमडी कैट का सिलेबस है उसको एटीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। और हर पार्ट के लिए अलग से सिम्यूलेशन असेसमेंट ली जाएगी जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि सिमुलेशन फेज के अंदर वी आर ऑफरिंग 18 यूनिट वाइज सिमुलेशन हर पार्ट जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि 18 डिफरेंट पार्ट्स में आपका टोटल सिलेबस डिवाइडेड है सो ईच पार्ट इज मेंशन एज यूनिट हियर सो 18 यूनिट वाइज सिमुलेशंस आपको यहां पर स्टेप टॉप नोट सेशंस में मिल रही हैं इस सिमुलेशन के अंदर टोटल 140 एमसीक्यूज आपको आएंगे These MCQs are designed on the डिजाइन ऑन दैटर्न एंड स्टैंडर्ड ऑफ एम कैट एम कैट के और आपके जो रेगुलर एग्जाम हैं उसके और एम कैट के अंदर फर्क ये है कि एम डी कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट सो दीज एम सी क्यूज आर टोटली कॉन्सेप्ट और आई कैन से एम डी कैट स्टैंडर्ड बेस्ड सो इन वन फोर्टी को सॉल्व करने के लिए यू विल बी हैविंग टू आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स यानी 140 एमसीक्यूज और सॉल्व करने के लिए एक ही मिनट। एक और बात जो मैं यहां पर करना चाहता हूं वो बात ये है कि आपके जो आपका ऑफिशियल है, उसके अंदर आर टोटल एंड द टाइम एलोकेटेड पास सिक्स होते हैं लेकिन जब आप स्टेप टॉप नॉट सेशन के अंदर आते हैं सो जस्ट टू ट्रेन यू जस्ट टू मेक यू मोर फेमिलियर टेस्ट हम आपको वो 60 में सॉल्व कराते हैं सो बाय द एंड ऑफ द टेस्ट बाय दिस प्रैक्टिस जब आप अपने ऑफिशियल एमडी कैड के अंदर जाएंगे सो so आपकी प्रैक्टिस इस स्पीड के साथ हो चुकी होगी इस पेस के साथ हो चुकी होगी कि आपके पास दस मिनट का विंडो बचेगा यानी यू आर अटेम्प्टिंग शन तो आप वो पेस बना चुके होंगे आपकी प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंगली हो चुकी होगी सो so, जब आप अपना ऑफिशियल एमडी के उसके अंदर आप टू हंड्रेड मिनट्स के अंदर टू हंड्रेड एमसी क्यूज सोल्व कर सकेंगे और जो बाकी के दस मिनट हैं आप अपने अपने ही एग्जाम को वापस वहां पर बैठ कर आप उसे रीइवेलुएट कर सकते हैं या आप उसके अंदर से दोबारा गो थ्रू हो सकते हैं डेट इधर यू है इधर यू हैव लेफ्ट आउट समथिंग और समथिंग लाइक डैट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 18 यूनिट वाइज सिमुलेशंस हैं लेकिन उससे पहले आपके 18 लेक्चर्स भी हैं और ये जो 18 लेक्चर्स हैं जो 18 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो ईच सब्जेक्ट है यानी हर सब्जेक्ट के लिए अलग से 18 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं और उन सब्जेक्ट्स की जब सिमुलेशन असेसमेंट्स हो चुकी होंगी उसके बाद आपके पास उन सब असेसमेंट्स के अगेंस्ट आपके पास 18 रिकॉर्डेड डिस्कशंस भी मौजूद होंगी अब ये डिस्कशन किस तरह से होंगी ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के अंदर ये चीज डिस्कस की जाएगी दैट इफ बी ऑप्शन इज करेक्ट वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट इस पे बात की जाती है इफ बी ऑप्शन इज करेक्ट इट ए ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी आर नॉट करेक्ट और दे आर नॉट मोर सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर तो इसके ऊपर भी बात होती है कि इफ बी बी इज इज करेक्ट करेक्ट एंड एंड ए सी डी आर आर रॉन्ग रॉन्ग दे इस पे बात की जाती है फिर जो स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है आपके सिमुलेशन के अंदर उस पे बात होती है कि ये स्टेटमेंट पहले एमडी कैट एग्जाम्स में किस तरह से पूछी जा चुकी है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड expected, एक्सपेक्टेडली uh, किस तरह से पूछी जा सकती है इसके ऊपर भी बात होती है यानी अगेंस्ट 1 एमसीक्यूस एट लीस्ट 4 डिफरेंट एंगल से बात

to attempt these 200 MCQs you will be having 210 minutes, to solve 1 MCQs you will be having 63 seconds. So, this second part of challenger's phase is just like another MDCAT. So, it is like you are attempting MDCAT before MDCAT. So, challenger's phase ke andar bhi aapko फ्टर क्वार्टर सिलेबस और हाफ सिलेबस चैलेंजेस रिकॉर्डेड डिस्कश अवेलेबल होंगी आफ्टर ईच अट और वो किस तरह से होंगी वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज द बेस्ट फेज एंड द बिगेस्ट फेज दैट इज द मॉर्स फेज दीज मॉक्स एज नेम डिफाइन्स ये मॉक्स एग्जैक्ट एम डी कैट पैटर्न के असेसमेंट होंगी यानी कि मॉक्स फेज के अंदर यू विल बी अटेम्प्टिंग इन टोटल सिक्स कंप्लीट सिलेबस मॉर्स मीन दैट कैट सिलेबस एग्जैक्ट एमडी कैट पैटर्न असमेंट एग्जेक्ट एमडी कैट पैटर्न एनवायरमेंट एग्जैक्ट एमडी कैट स्टैंडर्ड इन विजेशन सो इन दीज मॉक्स विच आर सिक्स इन नंबर आफ्टर ईच मॉक्स वंस अगेन डिस्कशन विल बी अवेलेबल बट देर इज अनदर डाइसेक्शन स्टेप का स्टेप की एक रीत रही है स्टेप का एक स्टैंडर्ड रहा है कि हम वी डॉन्ट गो फॉर ओनली वन ऑपरचुनिटी वी गो फॉर मल्टीपल ऑपरचुनिटीज फॉर आर स्टूडेंट सो वी आर जस्ट नॉट ऑफरिंग योर एमडी कैट मॉर्स बट वी आर ऑल्सो ऑफरिंग मार्क्स फॉर योर नम्स एग्जाम ताकि आप ना सिर्फ एम बी बी एस बी डी एस डी पी टी या अलाइड हेल्थ साइंसिस के अंदर परस्यू कर सकें बल्कि आप आर्मी के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी परस्यू कर सकें और उन ऑपर्चुनिटीज से भी फायदा उठा सकें सो कीपिंग दैट इन व्यू आपके जो एमडी कैट के मॉक्स हैं वंस अगेन उसके लिए आपके पास 200 एमसीक्यूज के लिए 210 मिनट्स यानी थ्री आवर्स एंड 30 मिनट्स अवेलेबल होंगे एंड फॉर नम्स जिसका नम्स uh, असेसमेंट्स are two in number, or solve you will be having two hours and thirty minutes. So that was part A of your NUMS exam. For part B, that is your psychological part, you will be having total of 100 MCQs. And to solve those 100 MCQs you have 30 minutes. So means for one MCQs you will be having 30 seconds. So these mocks are just like another MDCAT test. It's just like that you are attempting an MDCAT test before an mdcat test so you can see that there are 36 total assessments that you are attempting in your step top-notch session so in all these three phases means simulations challenges and mocks you in total you have uh, attempted 36 assessments just like your mdcat test so when officially you will be in your mdcat exam center it will just like that you are attempting an other MD -CAT assessment, just like you have attempted in your step top notch session. Your confidence, your self belief, your familiarity, your attachment to the environment, your exposure, your practice, your learning, each will be at its epitome. So, chahe it is challenge or competition, one ratio 24 ho against each medical seat. या वो चैलेंज वन रेशो फिफ्टी हो या वो वन रेशो हंड्रेड क्यों ना हो अगर आप इस सेशन के अंदर आते हैं अगर आप इस एवेलुएटिव इस डायग्नोस्टिक इस असेसमेंट सेशन के अंदर आते हैं बिलीव मी यू आर गोइंग टू मेक योर वे थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस एंड सिक्योर योर सीट इन टू योर ड्रीम डिग्री लाइक एम बी बी एस बी डी एस डी पी टी और अलाइड हेल्थ साइंसिस सो मूविंग ऑन इन असैसमेंट्स के अलावा इस एनवायरमेंट के अलावा स्टेप आपको और क्या क्या ऑफर कर रहा है वो भी जानने के लिए मजीद आगे बढ़ते हैं सो so जब आप स्टेप टॉप नॉ सेल्स देन दीज ऑल असैसमेंट जो चीजें आपको मिलती हैं दैट इन इंक्लूड कन्वीनियंट टाइम टेबल स्टेप टॉप नॉच का जो टाइम टेबल है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका बाकी की रूटीन डिस्टर्ब ना हो आपके बाकी के जो काम हैं आप आप कहीं से कुछ क्लासेस ले रहे हैं आपकी जो एक रेगुलर रूटीन है उसको डिस्टर्ब किए बगैर इस सेशन को आप तक डिलीवर किया जाएगा सो so, इसके अंदर दो मेन स्लॉट्स अवेलेबल हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर आपके पास मॉर्निंग में वक्त बचा हुआ है आपके पास मॉर्निंग के अंदर अवेलेबिलिटी है सो so आप मॉर्निंग स्लॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास इवनिंग में टाइम है आप इवनिंग में इस सेशन को ज्वाइन करने के अंदर ज्यादा इजी हैं ज्यादा कंफर्टेबल हैं सो आप इसको इवनिंग और मॉर्निंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं द चॉइस विल बी अप टू यू मजीद जो चीज हमें मिलती है दैट इज मैक्सिमम रियल टाइम प्रैक्टिस जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका कि ये सारी जो आपकी असेसमेंट्स हैं ये एग्जैक्ट एम डी कैट पैटर्न की हैं इसके अंदर जितने एम सी क्यूज़ आप सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ एम डी कैट सो आपको रियल टाइम फिजिकल एक हॉल में बैठकर एक एन्वायरमेंट में बैठकर जो कि एग्जैक्ट आपके एग्जाम आपके ऑफिशियल एग्जाम जैसा एनवायरमेंट है उसके अंदर उसका हिस्सा बनते हुए उसका हिस्सा रहते हुए आप इस पूरे जो असेसमेंट है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप अपने एम डी कैट को ऑफिशियल को उससे पहले ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने स्टेप टॉप नॉट सेशन के अंदर सो so, मजीद अगर आगे बढ़ें तो कंटिन्यूस एवेलुएशन है यानी आपके पास चैलेंज फेज है चैलेंज फेज के बाद आपके पास मार्क्स फेज है और इन सब असैसमेंट्स के बाद आपके पास डिस्कशंस भी मौजूद हैं सो so, एक कंटिन्यूस एवेलुएशन का प्रोसेस है जो कहीं पर रुक नहीं रहा इट इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन मजीद आगे चलें। इट इज ओपनिंग द डोर्स ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। स्टेप कभी भी अपने स्टूडेंट्स को किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं करता देखिए एज पर द चेंज इन पॉलिसीज इस दफा अलाइड हेल्थ साइंस के डिग्री प्रोग्राम जितने भी हैं फोर इयर्स और फाइव इयर्स उसके लिए भी आपको एम कैट का एग्जाम देना पड़ेगा सो so, चाहे आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं चाहे आप बीडीएस करना चाह रहे हैं चाहे आप डीपीटी करना चाह रहे हैं या चाहे फिर आप किसी भी अलाइड हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल होना चाह रहे हैं आपको एम कैट के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा सो बींग दार्ट ऑफ स्टेप टॉप नॉच एवेलुएटिव सेशन आप इन सारी ऑपरचुनिटीज से फायदा उठा सकेंगे मजीद आगे चलें तो इसके अंदर जो आपकी इनविजिलेशन हो रही है आपका एग्जाम हॉल उसके अंदर का प्रोसेस लाइक एट व्हाट टाइम यू हैव टू अराइव इनटू द हॉल कितनी देर पहले आएंगे आपके आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीजें अलाउ नहीं है राइट एज पर द स्टैंडर्ड्स राइट एज पर द इंस्ट्रक्शन राइट एज पर द कमांड्स ऑफ पी एंड एंडी सी सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा इधर इट इज इनविजिलेशन और इट इज टेस्ट चेकिंग प्रोसेस ये सारा प्रोसीजर ये सारा एनवायरनमेंट एज पर जाएगा मजीदेलाइज so, like, सि पशावर के अंदर पढ़ रहे हैं वही चीजें आपको लाहौर के अंदर भी ऑफर होंगी वही चीजें आपको रहीम यार खा में भी ऑफर होंगी वही चीजें आपको सादिकाबाद में भी ऑफर होंगी सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी और सिटी में माइग्रेट करके जाएंगे वहां पर हमारी बेहतर या बेहतर हो सकेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप अपने किसी भी करीबी पंजाब कॉलेज या हदफ कॉलेज की ब्रांच के अंदर जाइए उसके कैंपस के अंदर जाइए और जाकर आपको ये तमाम सेम असेसमेंट्स सेम फीचर्स सेम चीजें आपको हर कैंपस के अंदर मिलेंगी मजीद आगे चले सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ स्टेप जो कि और कोई इदारा ऑफर नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर आप ऑनलाइन अपने हेड ऑफिस टीचर्स से किसी भी टाइम कर सकते हैं। if you have got any query, if you want to discuss an option in your assessment, if you want to uh, talk about a statement, if you want to talk about the justification that if my question, my answer was marked wrong, why it was marked wrong, uskyoperaab justification, apne teacher say put sakne, uskyoperaab apne teacher say bad you ap discuss your problem regarding your assessments. And, and other one unique and best features that is none other than स्टूडेंट एडवाइजरी एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर आने के बाद अपने स्पेसिफिक काउंसलर से बात कर सकते हैं फिर चाहे वो आपका प्रॉब्लम किसी करियर फील्ड से रिलेटेड हो कि सर मेरे लिए ज़्यादा एमबीबीएस सूटेबल है डीपीटी सूटेबल है मेरे पास मेरे लिए ज़्यादा अलाइड हेल्थ साइंसेस सूटेबल है कौन सा करियर मुझे आगे लेकर चलना चाहिए कौन सा एकेडमिक पाथ मुझे चूज करना चाहिए और इसके अंदर जेनेरिक काउंसलिंग नहीं है इसके अंदर टेलर्ड काउंसलिंग है एज पर योर कॉम्पिटेंसी एज पर योर कैलिबर योर पोटेंशियल एंड एज पर योर स्कोप आपको वो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है सो so उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस अपनी अपॉर्चुनिटीज अपने थ्रेट्स किन एरियाज में आप मजीद गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है आप फ्यूचर किस तरह से फोरकास्ट करते हैं अपना वो सब चीजें आप अपने एग्जीटिव काउंसलर से वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हैं मजीद आगे चलें ये तो थी सारी इंफॉर्मेशन स्टेप टॉप नॉर्थ सेशन से रिलेटेड मजीद जो मैं एक नोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आप अपनी असेसमेंट्स की जो डेट शीट है वो किसी भी पंजाब कॉलेज के नियर बाय कैंपस से कलेक्ट कर सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारा डेटा आपको किसी भी नियर बाय कैंपस आपको किसी शहर शहर जाने की जरूरत नहीं है आपको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है जस्ट विजिट योर नियर बाय पीजीसी कैंपस ये सारा डेटा सेम फॉर्म में सेंट्रलाइज फॉर्म में आपको हर कैंपस के अंदर अवेलेबल होगा मजीद जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज जिस तरह मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका कि आपकी इन तमाम असेसमेंट्स के लिए जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं दैट विल बी योर नियर बाय पंजाब कॉलेज एंड हदफ कॉलेज कैंपसेस वंस अगेन आपकी फैसिलिटेशन के लिए आपके एक्सपेंसिव को प्रिजर्व करने के लिए आपकी हैसल को कम करने के लिए आपके स्ट्रेस आपकी एंगजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो स्टेप ने उठाया है दैट इज़ कि आपने आपके अपने शहर आपकी अपनी प्रमिसिस के अंदर आपको ये सेंट्रलाइज सिस्टम दिया गया है ताकि आप किसी भी हैसल से बचते हुए अपने किसी भी नियर बाय पंजाब कॉलेज के अंदर जाकर या हदफ कॉलेज के अंदर जाकर इन तमाम फैसिलिटीज़ इस बेस्ट सेशन इस एक्सक्लूसिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक सेशन से फायदा उठा सकें मजीद इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट अस आर टोल फ्री नंबर इज जीरो एट हंड्रेड सेवन एट सिक्स जीरो एट इसके ऊपर आप सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक किसी भी टाइम कॉल करके हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं आपकी कोई भी क्यूरी है आपका क्वेश्चन है यू वॉन्ट आस्क समथिंग आप बिला झक आपका कोई भी सवाल है आप अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर से स्टेप हेड ऑफिस के अंदर इस नंबर पर कॉल करने से उनसे ये सारी मालूम हासिल कर सकते हैं वंस अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्टेप डॉट पी जी सी डॉट ई डी यू इस स्टेप वेबसाइट आप हमें आईओस या एंड्रॉयड मोबाइल्स दोनों के अंदर हमारी एप्लीकेशन स्टेप बाय पी जी सी के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। हैं और पोर्टल लिंक जो आपका इफ ऑर दीज असेसमेंट आपका जो ऑनलाइन पोर्टल लिंक है दैट इज ऑनलाइन स्टेप डॉट पीजीसी डॉट ईडी जो सेशन डोंट हैव टू वेट एनी मोर बिकॉज दिस एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी इज जस्ट राइट एट योर टोर स्टेप यू डोंट हैव टू वेट because this is the time this is the movement what's gone is gone you don't have to make regret on that you don't have to underestimate yourself there is no need to get under confident because this opportunity is waiting for you so you just have to grab your energy you just have to pull back your confidence and you have to go for this step top notch session but before wrapping up I would share a quotation, one of my best quotations, which I share with students. That is the quotation of one of the uh, best leaders in the world, King Martin Luther Jr. He says, If you cannot fly, run. If you cannot run, then walk. And if you cannot even walk, crawl. But at all costs, keep moving this is your lifetime opportunity this session is going to transform your entire life and it is going to take you towards your goal your dream and your aim so please don't waste your time anymore please don't underestimate yourself and on, 20, on 15th of july 2023 join step top notch session a very best of luck to all of you thank you